हेलो गाइस, आज जो हम बात करेंगे, हमारे पास होनर का सेट है, होनर 9 लाइट। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो FRP की प्रॉब्लम है। हम इसकी FRP को रिमूव करेंगे बाय अनलॉक टूल से। हमने अनलॉक टूल लॉगिन कर लिया है, ये हमारा अनलॉक टूल ओपन हो चुका है। हम इसको यहाँ से FRP को रिमूव कर लेंगे। ये हुआई और लिनोवा, हुआई और होनर दोनों सेम होते हैं, एक ही कंपनी होती है। तो हम इसको मिनिमाइज़ करने के बाद मैनेजर को ओपन करेंगे, डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेंगे। यहाँ से इस पर टिक कर लेंगे, डिवाइस मैनेजर पे। यहाँ हम इसका ड्राइवर बना लेंगे। तो हम इसको करेंगे टेस्ट पॉइंट से, EDL भी बोलते हैं, टेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं। तो हम इसको टेस्ट पॉइंट से करेंगे। हम इसको टेस्ट पॉइंट, जो इसका EDL है, उसको ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे। और ग्राउंड से शॉर्ट करने पर ये ड्राइवर बना देगा, USB 10 का ड्राइवर बनाता है लिनोवा के सेट, होनर के सेट। ये आप देख सकते हैं, इसने COM 10 का पोर्ट बना दिया है हमारा। हम इस पर हुआई पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्रीन 659 को सेलेक्ट करेंगे, क्रीन 659 को सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा पोर्ट बना हुआ है। FRP पे टिक करेंगे, ये हमारी FRP रिमूव हो रही है। तो ये कुछ ही सेकंड में ये हमारी FRP रिमूव हो जाएगी। होनर के कोई भी सेट आप यहाँ से FRP और यूज़र डाटा यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर करके कोई से भी मॉडल हो आपके पास, यहाँ सेलेक्ट करके, मॉडल सेलेक्ट करके कोई भी पोर्ट बना सकते हैं। ये ADB का ड्राइवर अनइंस्टॉल दिखा रहा है, तो हम इसको अपडेट कर लेंगे एक बार। ये करप्ट हो चुका है ड्राइवर, तो हम इसको, हमने डाउनलोड कर रखा है ADB का ड्राइवर। हम डाउनलोड में जाएंगे, हमने डाउनलोड डेस्कटॉप पे नहीं, डाउनलोड में रखा है। तो हम डाउनलोड को ओपन कर लेंगे। ये ADB का सेटअप है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसको। ये हमने ओपन कर लिया है, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये यस मांगता है, यहाँ पर वाई डालेंगे, यस, फिर वाई लिखेंगे, वाई डालेंगे, यस और वाई लिखेंगे। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश। ये हमारा ऑल डन हो चुका है। फिर अनलॉक टूल को ओपन करेंगे, ये ड्राइवर, दोबारा ड्राइवर बनाएंगे। ये कॉलीकॉम का CPU है, इसके अंदर सबसे पहले ड्राइवर बनाना पड़ता है। तो पहले ड्राइवर बनाएंगे, उसके बाद इसके FRP को रिमूव करेंगे। अभी क्रीन वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। FRP पर टिक करने के बाद ये हमने ड्राइवर नहीं बनाया था, इसको शॉर्ट कर लिया है हमने और ये हमारा ड्राइवर बन चुका है। ये हमारी FRP रिमूव हो रही है, ये 10 सेकंड लेगा FRP रिमूव होने के लिए। ये आप देख सकते हैं, हुआई USB COM 10 का इसने पोर्ट बना रखा है। जितने भी कॉलीकॉम के सेट होते हैं वो ADL से, ज़्यादातर ADL से, टेस्ट पॉइंट जिन्हें बोलते हैं, ज़्यादातर ADL और टेस्ट पॉइंट से ही होते हैं। ये हमारी FRP डन हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।